कतर के कोच शेर को सिर्फ झूमे देखा होगा, लेकिन खुलेआम क्रिकेट की मैदान पर नहीं देखा था। इससे पहले क्रिकेट के मैदान पर शेर को देखना और शेर की दहाड़ सुनना सिर्फ एक ही टीम को नसीब हुआ था, और वो टीम थी मंगोलिया। और कल इस लिस्ट में जुड़ गया है कतर, खासकर उनके कोच। फाइनली जो चैलेंज कतर के कोच नेपाली प्लेयरों को दी थी, आखिरकार उसी टास्क को पूरा करते हुए नेपाली टोली कतर टीम को पहली बार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हराकर एक इतिहास भी रच दिया है। और लगता है कि इस रिकॉर्ड को देखने के बाद कतर कोच को उनका जवाब मिल गया होगा जो वो चाह रहे थे। नेपाल ने इस मैच को जीतकर ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर खड़ा है, बल्कि इस साल फिर एक बार एशिया कप खेलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। जो कतर के कोच ने बताया था कि हमारी टीम युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का मिश्रण है, और बड़े मुकाबले में एक्सपीरियंस ज्यादा काम आते हैं, ये मैच देखने के बाद उनका भ्रम जरूर टूटा होगा, और एक्सपीरियंस के नाम पर जो घमंड उनके दिमाग पर था वो जरूर उतर गया होगा, और उन्हें पता चल गया होगा कि आपके यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं, और वो भी मोंटी देसाई के हीरोज। वहीं बात करें दीपेंद्र सरदार की पारी की, तो उनकी चर्चा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जोरों से हो रही है। क्रिकेट जगत के कई सारे हीरोज जैसे जॉन्टी रोड्स भी दीपेंद्र सिंह की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है, और अब दीपेंद्र बन गए हैं वर्ल्ड के तीसरे ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। इनका अलावा कल कतर कोच के तरफ से भी दीपेंद्र सिंह को बधाई मिलने की सुनी जा रही है, और उन्होंने दीपेंद्र को बोला है कि अगला मैच वो कतर के तरफ से खेलेंगे। आपने सच मान लिया क्या? ये सिर्फ मजाक था। सो जॉक्स अपार्ट, इस मैच के बारे में हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि सबसे पंगा ले जा रे भाई, सबसे पंगा ले जा। नेपाल से कभी पंगा मत लेना, वरना उड़ेगा भेजा। तो आप कतर के कोच के बारे में क्या कहेंगे, एक लाइन उनके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।